हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज़ एयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग ठीक है अब यहाँ पे देखो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि जो तुम्हारी बुक है उसका नाम फर्स्ट फ्लाइट क्यों है क्योंकि उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है हेज़ फर्स्ट फ्लाइट तो पहले तो तुम ये देखो कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का मतलब है कि यहाँ पे हम दो स्टोरीज जानेंगे है ना दो इंडिविजुअल स्टोरीज जानेंगे अबाउट फ्लाइंग फ्लाइंग उड़ने के बारे में जिसमें आज हम जो है पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं मतलब आज हम पहली स्टोरी देखेंगे जो किस बारे में है एक सीगल के बारे में है सीगल क्या होता है समुद्र के पास जो चिड़िया है रहती हैं ना इनको हम सामुदायिक चिड़िया भी कह सकते हैं ये जो बर्ड्स होते हैं ना ये समुद्र के आसपास ही होते हैं फिशिंग जैसे मतलब ऑब्वियसली ना कि जो फिश वगैरह होती है उनको खाकर ही ये सरवाइव भी करते हैं तो पहली स्टोरी ऐसे ही एक सीगल के बारे में है जिसे उड़ने से बहुत डर लगता था है ना और इसीलिए कि भाई यहां पे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पहली उड़ान भरता है इसीलिए इस वाली स्टोरी का नाम क्या है फर्स्ट फ्लाइट ठीक है इसके अलावा जो सेकंड स्टोरी है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो है ब्लैक एरोप्लेन वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसके ऑथर का नाम जान लो उसके ऑथर हैं ल्याम ओ फ्लर्टी ठीक है दोनों स्टोरीज अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं तो हम दोनों के नाम भी इंडिविजुअली ही देखेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग दो स्टोरीज हैं उड़ान भरने के बारे में जिसमें पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके ऑथर का नाम क्या है लियाम ओ फ्लर्टी ठीक है इतना ही आपको अभी जानने की जरूरत है और आज आप स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज ठीक है लेज क्या होता है लेज को आप बोल सकते हो कगार ठीक है मतलब जैसे सपोज करो ये ना कोई माउंटेन है ठीक है ये कोई माउंटेन है और यहाँ पे क्या है उसकी जो क्लिफ है उसके पास क्या है कोई ऐसी कगार बनी हुई जिसके बाद जो है क्या है नीचे पूरा समुद्र है और मतलब ये एंड है समझ लो ये जो एरिया है ये एंड है ना ये कगार है इसकी तो ये क्या कहलाता है आपका लेज क्लियर हो गया तो वो कहाँ पर था सीगल लेज पर था आपने एक बहन थी वो एक दिन पहले ही जो है उड़ना उन्होंने सीख लिया था उड़ते थे वो मतलब है ना। He had been afraid to fly with them, लेकिन वो हमेशा से जो है डरता डरना। डरता था उनके साथ उड़ने में

माइल्स डाउन ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी है ना एक्सपेंस मतलब जो है काफी जो स्ट्रेच है फैला हुआ था ना समुद्र, ऑब्वियसली समुद्र कैसा लगता है कितना बड़ा कितना विशाल लगता है तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि वहाँ पर जो है इतना बड़ा विशाल समुद्र था नीचे है ना और उसके आस जो है हरी हरी जगह भी थी ही सर्टेन दैट विंग्स वुड नेपोर्ट हिम so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night theek hai usko jo hai matlab certain he felt certain certain hum kab bolte hain jab hum kisi cheez ko lekar bilkul confirmed hote hain theek hai जब हम किसी बात को लेकर बिल्कुल confirmed होते हैं तब हम word use करते हैं certain तो वो मतलब है ना कंफर्म था इस चीज को लेकर कि जब वो उड़ने अगर वो उड़ेगा ना उड़ने के लिए वो जाएगा आगे तो उसके जो पर है वो उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे वो जो है मूव ही नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा इसलिए वो क्या करता था वापस जहाँ पे वो सोता था रात को लेज में वापस वहीं घुस जाता था इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स हु फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देर विंग्स एंड फ्लू अवे ठीक है लेकिन है ना क्या बोलते हैं उसके जो दोनों भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी वो उससे भी छोटी थी हमारा जो सीगल है जो उड़ नहीं सकता उसकी सिस्टर उससे भी छोटी थी जिसके विंग्स जिसके पर हमारे सीगल से काफ़ी छोटे थे फिर भी वो उड़ लेती थी तो यहाँ पर बस यही है कि हमारा जो सीगल था वो थोड़ा सा डरपोक था है ना उसने अपनी मैंटिलिटी बना ली थी कि भाई वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पर ही जो है उड़ेंगे नहीं मूव नहीं करेंगे और वो जो है नीचे जाके गिर जाएगा तो उसकी मैंटिलिटी ऐसी हो गई थी

ठीक है हमेशा वो इस चीज में फेल हो जाता था कि वो हिम्मत ही नहीं इकट्ठा कर पाता था टू टेक द प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट है ना डुबकी लगाने या छलांग मारने के लिए जो वो बहुत कोशिश करता था लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रेली अपब्रेडिंग हिम थ्रेटनिंग हिम गुस्सा करते थे काफी जोर से उस पर चिल्लाते थे है ना? श्रीली जोर से चिल्लाना है ना और अबिंग हेम उसको जो है क्या करते थे डांटते थे है ना और क्या करते थे थ्रेट थ्रेट भी करते थे मतलब धमकी देना और थ्रेट क्या हो गया धमकाना क्या धमकी देते थे कि हम जो है तुम्हें खाने को नहीं देंगे और तुम भूखे ही रह जाओगे तार करना बिल्कुल भूख के मारे मर जाना या भूख भूख का भूखा लिख देती हूँ मैं ठीक है भूखा इससे समझ आ जाएगा तुम्हें। क्योंकि क्या होता था जब वो उड़ता ही नहीं था तो वो कैसे अपने लिए जो है फिश लेके आता होगा शिकार करता होगा नहीं ना उसके पेरेंट्स उसके भाई बहने लेकर आते थे और वो उसी में खाता था लेकिन आप जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि भाई बहुत हद हो गई है तो वो उसे डांटते थे उस पर चिल्लाते थे और अब उसे धमकाने लग गए थे कि तुम जो हो भूखे ही मर जाओगे जब तक तुम खुद अपना शिकार नहीं करोगे उड़ोगे नहीं ये सब बातों को चौबीस घंटे हो गए थे ऑलमोस्ट एक दिन हो गया था और तब से लेकर अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया था मतलब उसने कुछ भी नहीं खाया था चौबीस घंटे से द डे बिफोर ओल्ड ए लॉन्ग ही हैड वॉस्ड हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विद हिस्स ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग दैम इन दर्ट ऑफ फ्लाइंग ठीक है आप है ना डे बिफोर उस दिन से पहले है ना मतलब पिछले दिन की बात हो रही है उस दिन से पहले उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं और उन्हें जो है और ज्यादा परफेक्ट कर रहे हैं किसमें इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग उड़ने की कला सिखा रहे हैं टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाई फॉर फिश उनको क्या सिखा रहे थे आपके कैसे जो वेव्स आती हैं उनसे बचना है और उनमें से होकर कैसे डुबकी मारकर फिश को लेना है मतलब अपना शिकार करना है उसने जो है उस दिन ये भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने उस दिन हैरिंग पकड़ी हैरिंग क्या होती है एक नर्म, नर्म से पर वाली मछली होती है ना नर्म एक ठीक है हेरिंग क्या होती है नरम पंखों वाली मछली होती है काफी अच्छी मछली होती है तो उसने देखा था कि उसके भाई ने जो है अपनी पहली नरम पंखों वाली मछली हेरिंग पकड़ ली थी एंड डिवॉर इट करना अच्छे से उसको खाना मजे लेके ठीक है स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल है ना कैकल एक तरीके से क्या हुआ कि मतलब जो उनकी जो वॉइस होगी है ना उसको बोला गया है यहाँ पर कि भाई वो जो है क्या बोलते हैं उसने क्या किया मतलब पूरा सीन बता रहा है वो कि उसका जो भाई है वो एक पत्थर पर चट्टान पर खड़ा था और उसने जो है अपनी पहली हेरिंग पकड़ी थी और वो खा रहा था और आसपास जो भी मतलब मेरे भाई बहन और मम्मी पापा थे वो उसके आसपास ऐसे सर्कल सा, बनाकर खड़े थे और वहाँ पर जो है काफ़ी ऐसी कैकल कैकलिंग चल रही थी सब मतलब जो भी उनकी वॉइस है उसमें क्या कर रहे थे उस पर प्राउड फील कर रहे थे उसे ये जता रहे थे एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड अबाउट ऑन द डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टोंग हिम विद हिज कॉवर्डिस ठीक है कायरता ठीक है और टॉन्ट करना ताने मारना टोंटिंग ताने मारना तो यहाँ पे क्या बात हो रही है उस पूरे मॉर्निंग है ना आप जिस दिन की बात हो गई चौबीस घंटे पूरे हो गए है ना अब उस दिन क्या हुआ उस मॉर्निंग जो है उसको सब क्या कर रहे थे टॉन्ट कर रहे थे ना दूसरी पास वाली क्लिप पर खड़े होकर और क्या कर रहे थे कि वो कितना कायर है इस चीज़ पर उसे टॉन्ट मार रहे थे The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the ंग अब वो क्या हुआ जाकर वापस से जो कगार है वहां पर खड़े हो जाते हैं और कैसे खड़ा होता है एक पैर के बल एक पैर अपना विंग में छुपा लेता है ना वो ऐसे प्रिटेंड uh, कर रहा होता है ऐसे दिखा रहा होता है ऐसे जता रहा होता है कि वो सो रहा है स्टिल दिट टूक नो नोटिस ऑफ हिम ही सो हिस्स टू ब्रदर्स एंड हिस्सर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद इन दियर है ना आप क्या होता है कोई भी उस पर जो है ध्यान नहीं दे रहा होता तो वो क्या दिखता है वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वहाँ पे उसके भाई बहन जो है आराम से सो रहे होते हैं और तुमने देखा होगा तो बर्ड ऐसे ना खुद के अंदर ही ऐसे खुद का जो हैड होता है वो ऐसे ही घुसा के सोते है ना तो यहाँ पे वही बात जो है बोली गई है ठीक है क्या बोला गया हैड संक इन टू देअर नेक्स्ट हिस्सा प्रीनिंग दस ऑन हिस्स वाइट बैक प्रीनिंग साफ करना ठीक है जो उसका बाप है वो क्या कर रहा था वो सफा, साफ कर रहा था अपने पर ठीक है प्रीनिंग करना अपने जो वाइट पर है फेदर्स जो हैं वो साफ कर रहा था ओनली हिस्स मदर वॉज लुकिंग उसकी मदर ही जो है यंग सीगल को देख रही थी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम ऑन द्लेट्यू हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड ठीक है वो जो है प्लेटियो पे सामने खड़ी थी और वो ऐसे खड़ी थी बिल्कुल है ना ऐसे खड़ी थी नाउ एंड अगेन शी एट एट अ अ पीस ऑफ ऑफ फिश दैट ले हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड बीक ऑन रॉक अब क्या हुआ वो बार बार क्या कर रही थी कि ना फिश जो है उसका एक टुकड़ा जो है निकालती थी और उसे जो है अपने फीट पर रखती थी और उसको जो है अच्छे से मतलब अपनी जो बीक है उसको साफ करती थी उस रॉक पर द साइड ऑफ द फूड मैड एंड हिम है ना अब जब भाई उसकी माँ ऐसे कर रही थी तो वो खाना देखकर बिल्कुल क्या हो गया पागल हो गया है ना जैसे उसने देखा कि उसकी मम्मी के हाथ में खाना है वो क्या हुआ पागल ही हो गया

भीख मांग रहा होता है कि उसे कुछ खाना दे दें गाओ कोलाशी स्क्रीम्ड बैक डिजिवली बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लिंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम ठीक है लेकिन अब क्या होता है उसकी जो मदर है वो काफ़ी गुस्से में उसको मना कर रही होती है बट वो जो है क्या कर रहा होता है काफ़ी सैड होकर बार बार कोशिश कर रहा होता है प्लिंटिवली उदास होकर ठीक है और सडनली क्या होता है उस एक जो है काफी जॉयफुल स्क्रीम निकलती है उसके ना काफी एक खुशी वाली चीख निकलती है हिज मदर हैड पिकड अप द पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट ठीक है आप वो खुश क्यों हो जाता है क्योंकि उसकी मदर जो है उनके मुंह में एक मछली का पीस होता है और वो उसकी तरफ उड़ रही होती हैं तो उसे लगता है कि वो मुझे खाने को दे रही होंगी बट यहां पे देखो क्या होता है ही लींड आउट ईगरली टॉपिंग द

हर विंग्स मोशन लेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ इज बीक ठीक है आप क्या होता है वो बिल्कुल जो है रुक जाती है वहाँ पर और उनके जो अब पर हैं वो भी जो है आवाज नहीं दे रहे हो सॉरी उनके जो पर हैं वो भी अब फड़फड़ा नहीं रहते हैं बिल्कुल मोशन लेस हो जाते हैं रुक जाते हैं और जो पीस होता है फिश का वो उनके मुँह में ही होता है तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो ये लेज है ठीक है ये लेज है और ये मदर है जो कहाँ रुक गई बिल्कुल यहाँ ठीक है बिल्कुल यहाँ और यहाँ पे लैच पे कौन है उनका बेटा है सीगल है ठीक है वो इस तरीके से रुक गई कि सीगल जो है वो पीस भी नहीं पकड़ पाता जब तक वो आगे नहीं बढ़े समझ आ रही है यहाँ पे चीज क्या हो रही है He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब वो एक second के लिए रुकता है कि mother आ क्यों नहीं रही आगे. लेकिन है ना वो क्या होता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती भूख में पागल हुआ वो होता है वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता और सीधे जो है छलांग मारता है food की तरफ. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood. still. ठीक है आप क्या होता है एक जोर से उसकी जो है चीख निकलती है और वो कहाँ होता है स्पेस में होता है ऐसा लगता है ठीक है आप क्या होता है कि भाई इतना वो डर जाता है इतना ज़्यादा भयानक होता है वो डर कि वो उसे जो है एकदम जकड़ लेता है जब्त कर लेता है और उसका जो हार्ट ऐसा लगता है कि वो रुक गया है ही कुड नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट और अब क्या होता है कि वो जो है उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता बिल्कुल वो एकदम

तो वही वाली चीज़ होती है कि उससे हवा जो है फ़ील हो रही होती है कभी अपने ब्रेस्ट पे फील हो रही होती है कभी अंडर द स्टमक फील हो रही होती है हो, और वापस अपने विंग्स पर फील हो रही होती है ही कुड फील द टिप्स ऑफ इस थ्रू द एयर ही वॉज नॉट फॉलोइंग हेड लॉन्ग नाव है ना अब क्या होता है कि वो फील कर रहा होता है कि उसके जो विंग्स हैं वो हवा को काट रहे हैं और उसको ये भी रियलाइज हो जाता है कि वो जो है सर के बल अब नीचे नहीं गिर रहा है ठीक है हेड लॉन्ग हेड का हम बोल सकते हैं सिर के बल है ना मतलब कि भाई क्या कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो सिर के बल नीचे जा रहा है सीधा लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा होता ही वो सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स ठीक है सोरिंग किसको बोलते हैं सॉरिंग बोलते हैं उड़ने को ठीक है Soaring क्या होता है उड़ना अब वो जो है अपवर्ड्स no नहीं लग रहा होता है he just felt a bit dizzy. बस उसे हल्का सा कैसा लगता है डिजी. डिजी लगना हल्का जैसा होता है ना ऐसे बेहोशी वाली चीज वो उसको बस हल्का सा फील हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट है वो पहली बार उड़ रहा था देन ही फ्लैप डिज मिंग्स वी सॉड गा, 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 गा. ठीक है आप जो है वो वापस जो जैसे डिजी फील करता है वो वापस क्या करता है अपने विंग्स फड़फड़ाने लगता है और अब वो कहाँ ऊपर की तरफ उड़ने लगता है

ठीक है आप वो क्या पाता है कि उसके भाई बहन भी आ जाते हैं उड़ते हुए कवेटिंग कवेटिंग क्या होता है ऐसे घुमावदार गूम, गु, सा होता है ना मतलब जैसे आ, क्या बोल सकते हैं इसको रुको मैं बताती हूँ मतलब वो नहीं होता इस तरीके से आ, जंप करना ऐसे घूम के और डाइव करना और व्हीली मारना टाइप होता है ना एक वर्ड होता आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ है ना तो यहाँ पे क्या होता है मतलब कि वो क्या हो रहे, क्या कर रहे होते हैं जैसे वो देखे ना तुमने सर्कस में जिस तरीके से जो लोग होते हैं वो इधर से उधर कूद रहे होते हैं और ऐसे घूम के कूद रहे होते हैं तो वो सारी चीजें जो हैं उसके भाई बहन वहां पर कर रहे होते हैं देन ही कम्पलीटली फॉगो दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू टू फ्लाई एंड एंड हिमसेल्फ डाइव इन सॉर कर्व अब वो बिल्कुल भूल ही जाता है कि वो कभी उड़ना नहीं जानता था ना मतलब वो ऐसा हो जाता है कि भाई हाँ जैसे मुझे उड़ना कब से आता था और अब वो भी जो है चिल्ला रहा होता और ऐसे ही डुबकी लगा रहा होता और उड़ रहा होता है सीन फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर दी ओशन अब वो कहा पर है बिल्कुल समुन्द्र के पास है और वहां से जो है स्ट्रेट उड़ रहा होता है और ओशन भी देख रहा होता है ही सो वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिज इज मूविंग ओवर इट एंड टर्न हिस्स बीग साइड वेज एंड कॉउट ली। अब वो जो है क्या होता है देखता है कि उसके नीचे बिल्कुल हरा विशाल जो जो है है। समुद्र अब उसके पेरेंट्स और जो सारे भाई बहन होते हैं वो उसके आगे ही जो ग्रीन फ्लरिंग है मतलब जो समुद्र है उसमें लैंड कर जाते हैं देवर बेकॉगनिंग हिम टू कॉलिंग श्रीली लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी हिज लैंग

His his feet sank into the green sea and and then his belly touched it and he sank no further. तो यहाँ पे क्या हो रहा था Obviously वो इतने मतलब हल्के होते हैं birds की वो ऐसे ही फ्लोट कर जाते हैं ना पानी पे तो जैसे उसके feet अंदर गए पानी में जो उसकी belly टच हुई उसके बाद वो डूब नहीं रहा होता है मतलब वो पानी पे float करने लगता है

तो समझ आ गया यहाँ पे क्या कॉन्टेक्ट था यहाँ पे जो मैसेज था वो यही था कि आप जो है ना जब तक मतलब आप अपनी मेंटेलिटी नहीं सुधारोगे ना आप हमेशा अपने अंदर डर रखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आपने क्या करना है आपने एक कदम आगे बढ़ा के देखना है है ना आपने एक कदम आगे बढ़ा के देखना और फिर देखो सक्सेस कैसे मिलती है आपको जब तक डरोगे ना तो ट्राई भी नहीं करोगे और हमेशा लाइफ में रिग्रेट करोगे ट्राई करो फेल होगे नहीं होगे वो डिपेंड करता है बट आप रिग्रेट नहीं करोगे कि एटलीस्ट यू ट्राइड ठीक है तो यहाँ पे यही मैसेज था अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे

क्लिफ है ना यहाँ पे मतलब क्या बात हुई लेज को मैंने क्या बताया था कगार ब्रिंक एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और अ बॉडी और वाटर है ना मतलब क्या हुआ यहाँ पे कहने का मतलब हुआ है ऐसे ढलान जैसी स्लोप क्या होती है ढलान कोई भी क्लिफ है मतलब कोई भी चोटी है या कोई वाटर बॉडी है उससे पहले जो एरिया आ रहा है वो एक्सपेंस है ना वाइड कंटिन्यूस एरिया ऑफ समथिंग है ना मतलब काफी फैला हुआ विशाल सा एरिया वो चीज फ्लैप्ड फ्लैप्ड क्या होता है उड़ते समय जो अपने पंखों को ऐसे ऐसे करते हैं ना ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ये क्या कहलाता है आपका फ्लैप्ड मास्टर इकट्ठा करना है ना हिम्मत इकट्ठा करना प्लांच डुबकी लगाना या जंप करना श्रीली एक हाई पिस्ट में ना एक वॉइस मतलब काफी ऐसी तेज सी आवाज तीखी सी आवाज है ना करकشتी आवाज अपरीडिंग डांटना, कोल्ड करना है ना हेरिंग जैसा कि मैंने बताया एक नरम पंख वाली मछली होती है डेवोर जल्दी से खाना मतलब जल्दी-जल्दी बस खा लिया कैकिल लाफ इन अ लाउड हार्श ज़ोर से हंसना कावर्ड इज कायरता lack of bravery असेंडिंग द स्काई मतलब क्या हुआ है यहाँ पर हवा के माध्यम से ऊपर उठना है ना ऐसे जो ऐसे जो उड़ते हैं बर्ड्स इस तरीके से प्रीनिंग पंखों को साफ करना है ना टाइडी और क्लीन करना फेदर्स को हम एक राउंड रेज मास ऑफ अर्थ और लैंड है ना मतलब ऐसे उभरा हुआ सा कोई हिस्सा है पृथ्वी का वो डायरेक्टली एक आ, मतलब इस तरीके से करना कि आप मतलब ना उपहास जता रहे हो आप गुस्सा जता रहे हो इस तरीके से ना और उपहास वाला वे क्या हुआ कि आप मजाक उड़ा रहे हो जैसे प्लेंटिवली सैड उदास हॉल्टेड स्टॉप होना रुकना जैसे कि उसकी मदर रुक गई थी उसके सामने खाना लेके मॉन्स्ट्रिबल भयानक seized, कर लेना है ना जकड़ लेना कर लेना headlong, headlong जैसे कि मैंने तुम्हें बताया सिर के बल मतलब वो ऐसे उस, उसे ऐसा लग रहा था कि वो सिर के बल नीचे जाके जो है बस खत्म हो जाएगा सॉरिंग सॉरिंग होता है फ्लाइंग है ना उड़ना सुप्ड सुप्ड क्या हुआ कि एकदम जो है बर्ड जो है वो अब ऐसे नीचे से एयर में से निकल के आ रहा हो ठीक है हवा के माध्यम से देखो पे आ गया देख का मतलब परफॉर्म अ सीरीज ऑफ जंप ऑन है ना ऐसे पीछे के पैरों से ऐसे छलांग लगाना और ऐसे घूमना ये वाली चीज अ लॉन्ग नैरो हिल टॉप माउंटेन रेंज ऑफ वाटर शेड है ना कोई लंबी सी पहाड़ की चोटी है ना कोई पर्वत श्रृंखला वो काव का वाली जो उनकी जो वॉइस है वो बेकनिंग इशारा करना क्वेश्चन एंड आंसर देख लो उसके जल्दी से वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई ठीक है जो हमारा जो यंग सीगल था उसको डर क्यों लगता था उड़ने से डू यू थिंक ऑल अफ्रेड टू मेक फर्स्ट फ्लाइट क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने से पहले डरते हैं और आर सम बर्ड्स मोर टिमेड देन अदर्स और यहाँ पे कुछ जो बर्ड्स हैं वो थोड़े टिमेड होते हैं दूसरे बर्ड से डू यू थिंक अमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप स्टेप, ठीक है तो क्या तुम ये मानते हो कि जो मतलब मान, मानव बच्चा जो होता है कोई छोटा बेबी, क्या उसके लिए भी ये चीज़ चैलेंजिंग होती है? तो आंसर क्या हर्टिंग ठीक है जो हमारा जो यंग सीगल था वो क्यों डरता था क्योंकि उसे लगता था कि वो जो है नीचे गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी ही उसे हमेशा ही ऐसा लगता था उसके दिमाग में बैठ गई थी ये चीज़ कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जो पंख हैं वो उसका सपोर्ट नहीं देंगी येस इट इज़ नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल ये बात सही है ये नेचुरल है कि कोई भी काम पहली बार करने से पहले हमेशा वो चीज़ हमें चैलेंजिंग लगती है उस काम को करने से पहले हमें डर लगता है ऑल बर्ड मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देअर फर्स्ट फ्लाइट और ऐसे ही हर पक्षी जो है उसको डर लगता होगा अपनी पहली उड़ान भरने से पहले सिमिलरली ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग दर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग वेन ही लर्न टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट और ऐसा ही जो है मानव बच्चों के साथ होता है कि वो पहले क्या होता है ऐसे क्रॉल करना सीखते हैं ना ऐसे चार पैर पे चलना सीखते हैं और फिर जब उन्हें थोड़ा डर कम लगने लगता है देन दे स्टैंड अप है ना फिर वो खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं समझ आ गया इस तरीके से आपने आंसर लिखना है पूरा नेक्स्ट देखो द साइड ऑफ द फूड मेड एंड हिम वॉट इज दिस सजेस्ट वॉट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई ठीक है अब यहाँ पे हमने देखा था कि भाई जो खाने को देखते ही वो पागल हो गया था ये लाइन क्या सजेस्ट करती है क्या बताती है और ऐसी क्या चीज़ थी जिसने सीगल को मजबूर कर दिया था उड़ने के लिए वॉज वेरी हंगरी जो सीगल था हमारा वो काफी भूखा था इट वॉज दिस हंगर दट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई ये यही भूख थी जिसने उसे अल्टीमेटली एंड में क्या किया मजबूर कर दिया उड़ने के लिए

इट वाइ शोट कम नियर आप तुम एक चीज नोट कर रहे हो मैं यहाँ पर इट लिख रही हूँ तो कभी भी कोई एनिमल हो ठीक है एनिमल में आप कभी भी ही और शी नहीं यूज करते हैं। हम हमेशा इट यूज करते हैं ठीक है क्योंकि हमें जो है जेंडर हम नहीं पता लगा सकते ना यहाँ से अभी यहाँ पे सिर्फ यंग सीगल बोला जा रहा है यू डोंट नो फीमेल है कि मेल है तो हम क्या यूज करते हैं इट हमेशा याद रखना ठीक है इट ही यूज करोगे एनिमल्स होते हैं जब भी चाहे मेल हो या फीमेल हो ठीक है तो आप वो जो है सोचने सोच में पड़ जाता है कि उसकी मदर जो है करीब क्यों नहीं आ रही नॉट एबल टू रेजिस्ट और हंगर एनी लॉन्गर इट एट फूड एंड इट्स टूट्रोफिटर बी अब वो क्योंकि अपना जो भूख थी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो सीधा जो है क्या करता है जंप लगा देता है अपनी मदर की तरफ एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फेयर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी दी क्लिफ और यही मोमेंट था जब उसकी भूख जो है ओवर पावर कर गई उसके डर को है ना मतलब अब डर से ज्यादा भूख हो गई थी और यही रीजन था कि वो जो है उड़ने लगा प्लस फॉलोड बाई दैचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी दैट टू फ्लैट और ऑब्वियसली बर्ड है तो बर्ड का जो नेचुरल रिएक्शन होगा हवा में वो क्या होगा उड़ना तो वही हुआ और वो उड़ने लगा क्लियर देख लो एक बार फिर आगे चलते हैं. अब वो जो है काफी उसको टॉन्ट मारते हैं सब और उस पर चिल्लाते हैं तो जो सीगल के फादर मदर थे पेरेंट्स थे वो उसे क्यों धमका रहे थे और उसे क्यों बार बार फोर्स कर रहे थे उड़ने के लिए Seagal's parents had tried everything, but he was reluctant to to fly due to fear of falling down. पेरेंट्स के जो पेरेंट थे उन्होंने हर कोशिश कर ली थी अपनी लेकिन क्योंकि उसमें इतना डर था गिरने का वो कभी भी कोशिश ही नहीं कर पाया कभी भी नहीं उड़ा he looked at his brother and sister, but बट make any efforts. वो अपने भाई बहनों को उड़ता हुआ देखता था लेकिन कभी भी उसने खुद से एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं की दैट्स वाई दी होल फैमिली है कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन और इसीलिए उसके जो पेरेंट्स उन्होंने उसको धमकाया कि तुम्हें खाना नहीं देंगे सारे फैमिली मेंबर्स उससे दूर हो गए उसको अकेला छोड़ दिया बट ये सारी चीजें भी क्या हो गई व्यर्थ हो गई इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ फॉरगोन कंक्लूजन That it should succeed. In the examples you have given, an answer to the previous question, why was the success guaranteed, or was it important for you to try, regardless of a possibility of failure? ठीक है अब हमने बर्ड वाला जो केस देखा इसमें हमने देखा कि भाई ये तो चलो था, है ना? और इसलिए हमारा जो कंक्लूजन था वो हमेशा जो है सक्सेस की तरफ ही आएगा ठीक है अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने जो प्रीवियस वाला आंसर दिया है जो क्वेश्चन था हमारा तो क्या हमारी भी सक्सेस गारंटीड है 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 ना क्या चीज़ कि आपको ट्राई तो करना चाहिए चाहे पॉसिबिलिटी किस तरफ जा रही हो फेलिंग की तरफ ही क्यों ना जा रही हो तो देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ना एट दी एंड कि भाई आप एटलीस्ट कोशिश तो करो चाहे फेल हो पास हो वो डिपेंड करता है आगे क्या रहता है ना कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं जानता बट आप कोशिश तो करोगे ना राइट right? तो यहां पे वही बात है तो तुम आंसर भी यही लिखोगे वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज लर्निंग न्यू स्किल ठीक है अब हम है ना हमेशा इनिशियल है ना शुरुआती स्टेज में हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है हम कुछ भी सीख रहे हो कुछ भी करना चाह रहे हो ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर वी हेजेड टू परफॉर्म अ टास्क और डू समथिंग न्यू अब हमें क्या होता है हमेशा से लगता है कि हम जो है फेल हो जाएंगे गलत करेंगे तो इस वजह से हम थोड़ा सा क्या होते हैं हिचकिचाते हैं कुछ भी करने से पहले इन केस ऑफ द सीगल इज पेरेंट्स कजोल्ड हिम टू फ्लाई इन द एग्जांपल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आई वाज कजोल्ड बाय माय फादर टू लर्न साइकिलिंग अब यहाँ पे देखो आपने कोई भी अपना एग्जाम्पल देना मैंने यहाँ पे एक बेसिक एग्जाम्पल दिया है जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें साइकिल चलाना काफी पसंद होता है लेकिन हम नहीं चला पाते हैं ना तो उसी तरीके का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए है ना So at that stage I was to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear. ठीक है तो उस वक्त जो है उस स्टेज पर जो है मैं काफी कोशिश करती थी है ना कि भाई मैं अपना जो डर है गिरने का वो छोडूं और साइकिलिंग सीखूं। Yes my success was guaranteed because if someone is determined to do something then success is assured. मोर ओवर ए सेट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट तो ये चीज़ जो है ना ये वाला जो एग्जाम्पल ये हम सबकी लाइफ में हुआ है हम सब साइकिल चलाने से पहले काफी डरते हैं कि हम गिर जाएंगे हमें चोट लग जाएगी है ना बट तुमने हमेशा देखा हम कोशिश करते हैं पैडलिंग करने की धीरे धीरे हम पैडल करना आता है कोई हमें पीछे से पकड़ा हुआ होता है लेकिन सडन गायब तो वो हम ही होते हैं जिसने पहले प्रैक्टिस की थी और अब हमने जो है साइकिलिंग शुरू कर दी है तो इस तरीके के एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप पूरी डिटर्मिनेशन दे रहे हो अपना पूरे एफर्ट्स दे रहे हो तो आपकी जो सक्सेस है वो क्या है गारंटीड है ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है बस इसी के साथ हमारा जो ये वाला पोर्शन है स्टोरी नंबर वन जो है वो यहाँ कंप्लीट होती है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो नेक्स्ट वाली स्टोरी हमारी ब्लैक एरोप्लेन उसके साथ तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान Signing off right now. Bye bye and have a nice day.